नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद मामले पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर डे टू डे हियरिंग कर रही है और हर दिन एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इस बार रामलला विराजमान के वकील सीएस वैद्यनाथन ने नया खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि राम जन्मभूमि पर स्थित भगवान राम नाबालिग हैं, ऐसे में उनकी संपत्ति कोई और छीन ही नहीं सकता है। रामलला विराजमान के वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि विवादित भूमि पर मंदिर रहा हो या ना हो, मूर्ति हो या ना हो, लोगों की आस्था होना काफी है यह साबित करने के लिए कि वहीं राम जन्म स्थान है। वैद्यनाथन ने कहा कि जब संपत्ति भगवान में निहित होती है तो कोई भी उस संपत्ति को ले नहीं सकता और उस संपत्ति से ईश्वर का हक भी छीना नहीं जा सकता। ऐसी संपत्ति पर एडवर्स पोजीशन का कानून भी लागू नहीं होगा। रामलला के वकील ने कहा कि मंदिर में विराजमान रामलला कानूनी तौर पर नाबालिग का दर्जा रखते हैं। नाबालिग की संपत्ति किसी को देने या बंटवारा करने का फैसला ही नहीं हो सकता। हजारों साल से लोग जन्म स्थान की पूजा कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी न्यूज़।